नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। लिपुलेख एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार वहां नेपाल नहीं बल्कि चीन केंद्र है। लद्दाख में चीन दावा कर रहा है कि उसने अपनी सेना हटा ली है, लेकिन लिपुलेख में चीन के 1000 सैनिक तैनात करने की खबर सामने आई है। लिपुलेख वही जगह है जिसके लिए पड़ोसी नेपाल ने विवाद खड़ा किया है। यह इलाका भारत चीन और नेपाल की सीमाओं को मिलाता है। यहीं पर चीन और भारत के बीच एलएसी भी मौजूद है। चीन ने एलएसी के दूसरी तरफ अपनी फौज को तैनात कर दिया है। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नेपाल भी अपनी सेना का सीमा के पार जमावड़ा बढ़ा रहा है। यह तमाम साजिशें इस बात का संकेत है कि नेपाल द्वारा खड़ा किया गया सीमा विवाद चीन द्वारा ही प्रायोजित था। नेपाल ड्रैगन के इशारे पर ही भारत को परेशान करने की नीयत से चल रहा है। चीन द्वारा लिपुलेख में सैनिकों की तादाद बढ़ाने के बाद भारत ने भी उतनी संख्या में अपने जवान तैनात कर दिए हैं। इस वक्त चीन, नेपाल और पाकिस्तान की तिगड़ी मिलकर भारत की घेराबंदी के तमाम प्रयास कर रही है। सही मायनों में देखा जाए तो भारत की हालत करीब करीब इजराइल वाली हो चुकी है। यानी जिन देशों की मुसीबत में भारत ने दिल खोलकर सहायता की, वे विषैले नाक बनकर फुफकार रहे हैं। इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता है कि यह भारत के लिए परीक्षा की घड़ी है। पड़ोसी देशों के प्रति नीतियों की फिर से समीक्षा की आवश्यकता है। खासतौर से नेपाल को सबक सिखाना कहीं ज्यादा जरूरी है, अन्यथा विषैला नाग आगे चलकर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए नेपाल का फन समय रहते कुचली देना चाहिए। नेपाल में मौजूद केपी शर्मा ओली सदी के सबसे बड़े जयचंदों के पुरोधा बनकर उभरे हैं। उन्होंने न सिर्फ लिपुलेख में चीन की एंट्री कराकर भारत पर दबाव डालने की रणनीति बनाई है, बल्कि पिछले दिनों जिस विवादित नक्शे को जारी किया था तब उसे दुनिया को भेजना शुरू कर दिया है। नेपाल ने इस नक्शे की 2500 से ज्यादा प्रतियां छपवाई है, जिसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, चीनी भाषाओं के अलावा स्पेनिश और हिब्रू में भी छापा गया है। हालांकि नेपाल के इस नक्शे की कोई अहमियत नहीं है। खुद यूएन भी ऐसे किसी नक्शे को मान्यता नहीं देता है। मगर नौटंकी करने में उस्ताद नेपाली हर वो हथकंडा गढ़ रहे हैं जिससे भारत की टेंशन बढ़ सकती है। इस जैसन देश के ढोल फोड़ने के भारत के पास अनगिनत विकल्प है। भारत के चंद कठोर फैसले से ही इस मुल्क में हाहाकार मच सकता है। भारत से जाने वाले अनाज, दाल और खाद्य तेल से इस दुष्ट देश में चूल्हा चढ़ता है। साथ ही 10 लाख से ज्यादा नेपाली भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बने हुए हैं। अगर भारत नेपाली नागरिकों पर एक्शन ले सके तो इस पहाड़ी देश में आग धधकना तय है। भारत से नेपाल को बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। नेपाल आजकल चीन से भी ऑयल परचेज कर रहा है। अगर भारत द्वारा इसके निर्यात में कटौती कर दी जाए तो यहाँ तेल के दाम आसमान को छूने लगेंगे। इसके अलावा मोबाइल फोन, रेडीमेड गारमेंट्स, मेडिसिन और केमिकल भी नेपाल को भारत से निर्यात होते हैं। टू व्हीलर, फोर व्हीलर भी भारतीय नेपाल को भेजता है। पर यह भारत की सहनशीलता है कि वह ओली की हरकत को नजरअंदाज करके नेपाली जनता की भलाई के बारे में सोच रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि अगर नेपाल ने ऐसा ही दुस्साहस चीन के साथ किया होता तो आज ओली किसी कचरे पर पड़े हुए चीन के सामने दंड बैठक लगा रहे होते। यानी भारत की बलमानस का नेपाल जमकर फायदा उठा रहा है। खास बात यह है कि इस पहाड़ी मुल्क से भारत को कोई फायदा नहीं होता है। भारत जितना निर्यात नेपाल को करता है उससे ज्यादा तो मालदीव को हो जाता है। यह उपकार इसलिए है क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र है। भारत ने इसे छोटे भाई की उपाधि दी हुई है, मगर यह भी 40% छोटे भाइयों की तरह धूर्त और नालायक है। हमने इसी चैनल पर नेपाल द्वारा गोरखा सैनिकों के तौर पर नए विवाद को पैदा करने का खुलासा किया था, जो अब जाकर लिपुलेख में सच होता दिख रहा है। लिपुलेख में नेपाल भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि नेपाल ने यहां गोरखा रेजिमेंट की तैनाती का निर्णय लिया है। ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि चीन के साथ नेपाल सैन्य अभ्यास कर सकता है। मतलब चीन जहां पर पहाड़ी युद्ध कौशल में माहिर गोरखा सैनिकों से दांव पेच सीखेगा, वहीं वह नेपाली गोरखा को अपनी सेना में शामिल भी कर सकता है। यानी भारत को नेपाल से दूर करने की चीन वह हर चाल चलेगा जिससे भारत बेबस नजर आए। पर चालबाज चीन को यह भी समझ लेना चाहिए कि भारत में उसका पाला जिस सबसे बड़े कूटनीतिक योद्धा से पड़ा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उसे पराजित करना चीन जैसे दूर देश के बस की बात नहीं है। चीन अगर 100 साल बाद की सोचता है तो मोदी का फैसला ऑन द स्पॉट होता है। यह 2017 में डोकलाम में और 2020 में गलवान में चीन देख चुका है। अगर चीन नेपाल के कंधे पर सवार होकर भारत के सामने चुनौती पेश करने की फिराक में है तो उसके यह मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इससे उल्टे नेपाल जैसे गरीब देशों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।
कल चीन ने नेपाल के साथ अपनी 65वीं सालगिरह के मौके पर मीठी मीठी बातें करके मोहने का काम जरूर किया है, मगर वह चीन का वो चेहरा है जिसमें पहले चीन दोस्ती करता है, फिर कर्ज देता है और उसके बाद कब्जा कर लेता है। नेपाल जैसे कई गवारू देश अभी तक चीन की चाल को समझते हुए भी अनजान बने हुए हैं। इसकी वजह यही है कि चीन ऐसे देशों को कब्जा करने के लिए वहां के भ्रष्ट नेताओं को अपना शिकार बनाता है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ऐसे ही भ्रष्टाचारी नेताओं की अग्रिम पंक्ति में पड़ा कचरा है। चीन और नेपाल के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1 अगस्त 1955 को हुई थी, जबकि भारत और नेपाल के बीच संबंध अनादिकाल से रहे हैं। आजाद भारत और नेपाल ने अपने विशेष संबंधों को 1950 में भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि के द्वारा नई ऊर्जा दी है। नेपाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 38.3% सब भारतीय उपक्रमों का है। नेपाल में लगभग 150 भारतीय उपक्रम मौजूद है जो निर्माण सेवा, विद्युत क्षेत्र और पर्यटन उद्योग में रत है। इनमें ITC डाबर इंडिया, टाटा पावर, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एशियन पेंट जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। जबकि चीन ने अपनी जिन कंपनियों को नेपाल में उतारा है उनमें अधिकांश का संबंध पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से रहा है, जो नेपाल के विकास की बजाय उसके इलाकों को कब्जाने के लिए यहां आई है। बड़ी बात यह है कि चीन द्वारा स्थापित कंपनियों में सभी प्रमुख पदों पर चीन ही विराजमान है। कंस्ट्रक्शन कंपनियों तक में चीन अपने श्रमिकों को साथ लेकर आ रहा है, यानी नेपाल जिनपिंग के जिन दांतों को सोने का समझ रहा है उसकी बगल में वैम्पायर वाले दोनों के लिए दांत भी है जो खून चूसने के साथ मांस तक भी चट कर जाते हैं। पर लगता यूं है कि नेपाल ने भारत विरोध की नीति को अपनी राजनीति बना लिया है। नेपाल वर्तमान में जी रहा है वे उन कठिनाइयों से अनभिज्ञ है जो भारत के कदम से नेपाल के लिए सुनामी साबित हो सकती है। भूखे नंगे मुल्क में ओली का राष्ट्रवाद आकाश बेल की तरह है जो उसी वृक्ष को जकड़ लेती है जो उसी को सहारा देता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।